अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। तो मैंने आज बनाई थी कैपुचिनो कॉफ़ी, उसके लिए कैपुचिनो लिया, साथ में ये ग्रैन्यूल्स और ये मिल्क है तकरीबन 1 कप, और इसके अलावा शुगर 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा बना के रख लूँगी उसको बाद में यूज़ करूँगी। ये कप है सिंपल, इसमें नीम गर्म पानी है। तो ये बीटर है, पहले इसे थोड़ा सा बीट कर लूँगी और उसके बाद फिर ये क्रीम है, क्रीम जौन सी है वो उसमें शामिल करेंगे बाद में। तो ये मैं आज भी वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, कुछ मेरे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, इसलिए मैं कुक करते वक्त कुछ चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। तो ये मैंने ली थी कैपेचिनो कॉफ़ी, पहले मैंने ये कुछ कम डाल दी थी, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ कम डालकर तो ट्राई करती हूँ इसमें। एंड ये देखें, ये नीम गर्म पानी में मैंने ये थोड़ा सा डाला इसमें, तकरीबन 2 टीस्पून्स, और नीम गर्म पानी है इसमें थोड़ी शुगर भी डलेगी, और उसके बाद ना हम इसको बीट करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पहले लाइट सा बीट कर लेंगे, ये जो मैंने आपको अभी बीटर दिखाया था इससे हल्का सा बीट कर लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा थिक करने के लिए ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। ये देखें, मैंने इसको ऐसे कर लिया था ताकि थोड़ा झाग इस पे आ जाए और थोड़ी मिक्सिंग हो जाए, तो आप ये देख रहे हैं। इसके बाद जो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है उससे मैंने इसे बीट किया था। ये कैपेचिनो कॉफ़ी ही मैंने ली साशे पैक, वैसे किसी दिन मैं इंशाल्लाह इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है उससे बनाऊंगी, तो उसमें फोम ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये बातें मैंने सोचा कि थोड़े से ये जो साशे है ये सारा ही शामिल कर देती हूँ, बनाकर एक दफ़ा फ्रिज में रख दूँगी जब बनानी होगी, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है, इसको काफ़ी बीट करना पड़ता है, तो बार बार करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से पहले इसमें कप में बीट किया। फिर मुझे लगा कि ये कप में भी इतना अच्छा बीट नहीं होगा, तो मैंने इसे चेंज किया। अल्टीमेटली फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप कॉफ़ी बनाएं, और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर लें, 5-6 दिन के लिए, जैसे आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप इसको एक ही दफ़ा ज़्यादा बना कर रख लें, उसमें ये होता है कि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने इसकी की शिफ्टिंग और इलेक्ट्रिक बीटर से इसको गाढ़ा किया मैंने जितना कि ये हो सकती थी। ये कैपेचिनो कॉफ़ी थी, ये मतलब साशे पैक था इसमें, ये ऑलरेडी ना इसके अंदर ये मौजूद थे, इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वैसे सिंपल नेस्कैफे की कॉफ़ी जो सी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने सोचा इतनी मेहनत बार बार कैसे की जाए, कुछ आजकल तबीयत भी ठीक नहीं, तो फिर मैंने इसको कोशिश किया कि बीट कर लूँ, और मज़ीद एक साशे था वो भी डाला। और ये मेरे पास सॉल्पर क्रीम थी, थोड़ा सा इसको क्रीमी करने के लिए मैंने इसमें क्रीम डाल दी, आप भी चाहें तो 3-4 टेबल स्पून डाल लें। और ये हमारा कैट है, मेल कैट, तो ये बहुत परेशान था कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो ये देख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। माशाल्लाह इसका नाम सिम्बा है और ये बहुत प्यारा है, ये हमारे पास जब आया था तो 2 मंथ्स का था।